पहले बच्चों का एक खेल होता था अक्कड़ बक्कड़ बम्बे बो 80-90 पूरे 100। अब संभल में कांग्रेस के प्रदर्शन में भी बच्चों के खेल का एक मॉडिफाइड नारा सामने आया है, जहां नारे की तख्ती के साथ कांग्रेसी दिखे हैं। कांग्रेस के प्रदेशीय आह्वान पर डीजल पेट्रोल मूल्य वृद्धि के खिलाफ विरोध प्रदर्शन को कांग्रेसी पहुंचे चंदोसी चौराहा पर पुलिस ने उन्हें रोक लिया, जहां कांग्रेसियों ने नारेबाजी की। इस दौरान कांग्रेसियों संग बच्चों के पुराने खेल के नाम से जुड़ी अक्कड़ बक्कड़ बम्बे बो डीजल 90 पेट्रोल 100 नारे की तख्ती भी नजर आई। हालांकि चंद ही कांग्रेसी प्रदर्शन में मौजूद रहे और औपचारिकता जैसी कर उन्होंने प्रदर्शन की खाना पूर्ति भी कर ली। न विरोध न जमीन पर लेटने जैसी तस्वीरें सामने आई। उत्तर प्रदेश कांग्रेस कमेटी के आह्वान पर आज पूरे उत्तर प्रदेश के अंदर डीजल और पेट्रोल के दामों में बेतहाशा वृद्धि के विरोध में कांग्रेस के कार्यकर्ता प्रत्येक पेट्रोल पंप पर हर ज़िले हर तहसील हर ब्लॉक में अपनी आवाज़ बुलंद करने के लिए योगी और मोदी सरकार से पेट्रोल और डीजल के दामों को कम करने की मांग कर रहे थे, लेकिन ये प्रशासन ये पुलिस प्रशासन योगी और मोदी के इशारे पर काम कर रहा है, बल्कि यूं कहिए कि सरकार बन करके खड़ा है। हमें पेट्रोल पंप तक जाने नहीं दिया गया, चौराहे पर ही हमें अरेस्ट कर लिया गया। सुबह 7 बजे से पुलिस घर पर आ गई और हाउस अरेस्ट करके बैठ गई। ये प्रशासन सरकार की भाषा बोल रहा है। इस कोविड-19 के संकट में भी डीजल और पेट्रोल के दाम बढ़ा करके योगी और मोदी सरकार आम आदमी की जेब काटने में लगी है। हम याद दिलाना चाहते हैं मोदी जी को, चुनाव से पहले उन्होंने कहा था कि अच्छे दिन आएंगे, हमारी सरकार आई तो हम 35 रुपये डीजल और पेट्रोल कर देंगे। हम उन्हें याद दिलाते हैं कि अब आपकी सरकार है, आपके 35 रुपये का पेट्रोल और डीजल का वादा कहाँ गया? क्यों कोविड जैसे संकट में भी आप प्रतिदिन डीजल और पेट्रोल के दाम बढ़ा करके आज यह हालत कर दी है कि 100 रुपये को पेट्रोल और 90 रुपये को डीजल हो गया है। ये सरकार की तानाशाही है, भ्रष्टाचार है, लूट मचा